शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तेरा लाख लाख शुक्र है माँ कि तूने मुझे ये नौकरी दिलाई। माँ ने कहा था कि इंटरव्यू पे जाने से पहले आपके दर्शन जरूर करूं, मगर भूल गया। अब यहां से ये नारियल लाया हूं। ये औरत क्या बोली? हाँ कुछ नहीं जानता सर। इस जगह को पहचानते हो? सर आप किस जगह की बात कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानता। नहीं सर। पहचान इसे? मैं कह चुका हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। आप लोग जबरदस्ती मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पेशेंट की जिंदगी बचाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। देखो देखो इन तीनों लड़कियों को, वो लड़की कोमा में है और ये दूसरी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है और ये ऐसी हालत में नहीं है कि आपके किसी सवाल का जवाब दे सके। डॉक्टर मैं किसी किस्म की कोई सवाल नहीं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ इन्हें इसकी शक्ल दिखानी है। डॉक्टर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हमें इसे कल कोर्ट में ले जाना है। ओके थैंक यू डॉक्टर। शीतल, इस लड़के की तरफ देखो और बताओ क्या यही वो लड़का है जिसने तुम्हारा बलात्कार किया था? शीतल देखो इसे, पहचानो इसे, पहचानो, डरना मत, बताओ हमें बताओ। शीतल आंखें खोलो। प्लीज प्लीज आप बाहर जाइए, प्लीज।
बस डॉक्टर बस, सिर्फ एक बार। और क्या जानना चाहते हैं आप? जिस लड़के की सूरत देखते ही ये लड़की कांपने लगी है, पागलों की तरह रोने लगी है, इसका क्या मतलब निकालते हैं आप? नहीं डॉक्टर, मैं निर्दोष हूं डॉक्टर, प्लीज प्लीज बहन मेरी तरफ देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए, मुझे इन्हें बताइए कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। बस अब आइडेंटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, ले चलो सर। नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, मैं वो लड़का नहीं हूं, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे एक मौका दीजिए उस लड़की से बात करने का, मैं साबित कर दूंगा कि मैं वो नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं। बस बस इंस्पेक्टर साहब, प्लीज इंस्पेक्टर साहब, प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक बार उस लड़की से बात करने दीजिए, इंस्पेक्टर साहब, प्लीज इंस्पेक्टर साहब। क्यों मास्टर जी, कुछ पता चला अजय कौन सी जेल में है और कब छूट रहा है? ऐसे आदमी को तो सबके सामने गोली मार देनी चाहिए। अरे ऐसे बेटे का पता लगाने की जरूरत ही क्या है, इस उम्र में बाप को मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। सच कहते हो दीनू काका, अगर मेरा बेटा होता तो गला घोट कर मार देती उसे। आइए ना डॉक्टर, अंदर चलिए। पार्वती आ गया मेरा बेटा। पार्वती मैं डॉक्टर साहब को लाया हूँ। मुझे डॉक्टर की नहीं, मेरे बेटे की जरूरत है, अब पुलिस स्टेशन जाकर उसका पता तो लगाइए। अरे अब जल्दी नहीं छूटने वाला वो पार्वती, बहुत लंबी लगी है उसे, जल्दी नहीं निकलेगा। छोटी जाके वो दरवाजा भी बंद कर दे। डॉक्टर भाई सच पूछो तो दुख भी होता है उस बेचारे के लिए, तीन तीन मासूम लड़कियों की जिंदगी उसने बर्बाद की है, इंसाफ से तो उसे सजा होनी ही चाहिए। होनी चाहिए, लेकिन उसकी हिम्मत तो देखो। हाँ हाँ, जिसके घर में ऐसी जवान बहन हो उसे कम से कम ऐसी नीच हरकत करते हुए शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। हेलो, लड़कियों कॉलेज के बाहर दादागिरी करता है, चला कर। ए, चले करे, चले कर तू है, मेरे को देखता है, है? चलो ले ले जा। किससे किस तरह बात की जाती है ये तक आप नहीं जानते? किस तरह से बात करते हैं आप शरीफ और इज्जतदार लोगों से? अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए मैं एक स्कूल मास्टर हूँ, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना मेरा फर्ज बनता है, और आप लोग जो इल्जाम मेरे बच्चे पर लगा रहे हैं ना वो बेबुनियादी है, झूठा है। साले खुद बेटी का धंधा करता है और अच्छी शिक्षा देने की बात करता है। देखिए आप हमें इस तरह जलील ना करें, हम अपने अजय को अच्छी तरह जानते हैं। हाँ जानता हूँ, तेरे कमरे से भी 10 गैलन दारू मिली है। और हाँ, अगर वो कल सुबह तक यहाँ पर हाजिर नहीं हुआ ना, मेरा वो हाल करूंगा कि मोहल्ले में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इंस्पेक्टर, मेरे घर वालों को छोड़ दे। छोड़ दूंगा, कोर्ट के फैसले की बात। इलाज 13 तारीख की शाम चेतना कॉलेज के रिहर्सल हॉल में तीन मासूम लड़कियों का वैश्याना तरीके से बलात्कार हुआ। वो बलात्कार किसी और ने नहीं बल्कि इस लड़के ने और इसके दो साथियों ने मिलकर किया, और इस बात को साबित करने के लिए मेरा सबसे पहला गवाह है इंस्पेक्टर विजय शर्मा। इंस्पेक्टर विजय, जब आप मुलजिम को लेकर अस्पताल पहुंचे तो वहां क्या हुआ? सर, बलात्कार की शिकार शीतल डोगरा मुलजिम को देखती ही पागलों की तरह चिल्लाने लगी, उसे देखकर इतनी घबरा गई कि रोने लगी, चिल्लाने लगी। जज साहब, वो पहचान नहीं पाई मुझे और उसने ये नहीं कहा कि मैं ही वो लड़का हूं। ठीक है, उसने ये नहीं कहा, मगर क्या वो लड़की तुम्हें देखकर पागलों की तरह रोने लगी, ये सही है? जी हाँ। पॉइंट बी नोटेड मी लॉर्ड। अब मेरा दूसरा गवाह है मिस्टर जेटली। मिस्टर जेटली,
जिस दिन कॉलेज में यह हादसा पेश आया क्या आप वहीं थे? जी हाँ, मैं उस कॉलेज का कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफिसर हूँ और अक्सर काम के सिलसिले में मुझे वहां जाना पड़ता है। उस दिन भी मैं वहां मौजूद था। तो क्या आप विश्वास से कह सकते हैं कि आपके कॉलेज में तीनों लड़कियों का बलात्कार करने वाला कोई और नहीं, यही लड़का है? बिल्कुल। जब ये लड़का और इसके दोनों साथी बलात्कार करके भाग रहे थे तब मैंने इसे बहुत करीब से देखा था। ये झूठ है, ये झूठ है जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तुम्हें अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया जाएगा। मिलॉर्ड, मैं अपना आखिरी और अहम गवाह पेश करना चाहती हूँ, चेतना कॉलेज की प्रिंसिपल मिसेस प्रतिभा जेटली। मिसेस प्रतिभा जेटली, क्या आप अदालत को बताएंगी उस दिन क्या हुआ? जज साहब, मेरी तीनों स्टूडेंट्स रिहर्सल हॉल में बैठ के एक ड्रामे की रिहर्सल कर रही थी, अचानक तभी मुझे किसी की चीख सुनाई दी। झूठ है जज साहब, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मिस्टर अजय, इस औरत ने तुम्हें मंदिर में देखकर शोर मचाया जिसकी वजह से तुम गिरफ्तार हुए। इससे पहले तुमने इस औरत को कभी देखा नहीं? जज साहब, क्या इस औरत की तुम्हारे साथ जाति दुश्मनी है? नहीं नहीं सर। तो फिर ये बार बार तुम्हारा नाम क्यों लेती है? मैं इस अदालत से दरखास्त करूंगी कि ऐसे मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि कोई दूसरा ऐसा घिनौना काम ना कर सके। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तमाम गवाहों और सबूतों की रोशनी में यह साबित हो चुका है कि मुलजिम अजय ने और उसके दो साथियों ने मिलकर बलात्कार किया है। जो संगीन जुर्म मुलजिम ने किया है उसके लिए कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। नहीं जज साहब, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। लेकिन कानून की बंदिशों ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, इसलिए दफा 376 दादे राते हिंद के तहत ये अदालत मुलजिम अजय को 7 साल बामुशक्कत की सजा देती है।